हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्कॉलर। आज हम पैरामेट्रिक टेस्ट का दूसरा टेस्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पेयर टी टेस्ट। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहले तो देखिए, हम पे जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसको डेटा कलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने के लिए हमें बेसिक जो है चार कंडीशन फुलफिल करनी होगी। अगर वो चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है सो दैट मीन्स नाउ वी कैन गो फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके बाद हमें देखना होगा कि डेटा का हमारे पास नेचर क्या है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल्स दो ही हैं तो हम जो यहाँ पर दो टाइप के टेस्ट लगा सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कब लगाते हैं? अगर हमें एक ही टाइम पे रेस्पॉन्सेज का मीन डिफरेंसेस जानना है, एक एक टाइम पे एक ही बार देखेंगे, ठीक है, कि क्या मीन स्कोर में कोई डिफरेंस है या नहीं है, तो उसके हम देखेंगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अब बात करते हैं हम पेयर टी टेस्ट। देखिए, पेयर टी टेस्ट का मतलब क्या है कि हम सेम रिस्पॉन्सेज का हम दो बार टेस्ट ले रहे हैं और फिर हम चेक कर रहे हैं कि क्या उनमें जो स्कोर का मीन जो है वो स्कोर में जो मेन जी मीन है वो डिफरेंस है या नहीं है, इसलिए हम लगाते हैं पेयर टी टेस्ट। या देखना, जैसे मान लीजिए कॉलेज में फैकल्टीज की जो ट्रेनिंग होती है, FDBs होती हैं। FD से पहले हो सकता है भी उनका स्कोर कुछ और हो, हमने जो उनका IQ लेवल चेक किया तो उनका कुछ और आया, फिर FDB भी उसके बाद उनका IQ लेवल चेक किया तो उसका ज़्यादा आया, ठीक है। तो वो देखना है कि क्या पेयर टी टेस्ट, यानी कि हम चेक करना चाह रहे हैं क्या FDB जो है होने से क्या मतलब FDB कंडक्ट कराना फैकल्टीज के लिए फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट लगाना होगा, दैट इज कॉल्ड पेयर टी टेस्ट, क्योंकि हम सेम रिस्पॉन्सेज का हम जो है दो बार जो है यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और फिर देखेंगे क्या वो फेवरेबल है या नहीं है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं पेयर टी टेस्ट, राइट। तो आइए देखते हैं इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो देखिए, ये इनपुट है, कैंडिडेट हैं 50 कैंडिडेट्स हैं टोटल। ये इनका कैंडिडेट का जो बिफोर ट्रेनिंग स्कोर है और ये आफ्टर ट्रेनिंग स्कोर है। अब हमें चेक करना है कि क्या कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देना फेवरेबल है या नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है, उसके बाद हमारा हाइपोथेसिस क्या होगा कि हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होगा या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मेन स्कोर, बिटवीन द मेन स्कोर ऑफ बिफोर द ट्रेनिंग एंड द आफ्टर द ट्रेनिंग, राइट। एंड ऑल्टरनेटिव अपना उसका उल्टा, दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द मेन स्कोर ऑफ बिफोर ट्रेनिंग एंड द आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पेयर टी टेस्ट। लेकिन देखिए, पेयर टी टेस्ट लगाने से हमें क्या देखना होगा, हम क्या लगाना चाहिए पेयर टी टेस्ट, यानी कि ये वो क्या है, एक तरह का पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो पहले हमें उसकी बेसिक जो चार कंडीशन वो भी तो फुलफिल देखनी होगी, फुलफिल हो रही नहीं हो रही है। सो जस्ट गो टू एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर। अब वहाँ पर देखिए, ये दोनों है बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, दोनों का आप डिपेंडेंट नेम लेकर आएंगे यहाँ पास, क्योंकि देखिए कैटेगरील कोई नहीं है तो यहाँ पर फैक्टर लिस्ट में कुछ नहीं आएगा। देन गो टू स्टैटिस्टिक्स, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। गो टू प्लॉट्स, हिस्टोग्राम, स्टेम एंड लीफ को आप हटा दीजिए, नॉर्मल टीम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अनट्रांसफर देखिए डिसेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अनट्रांसफर का बात है जहाँ पर जो है कोई नॉर्मल डेटा हो, नॉर्मल तो हमारे पास कोई है ही नहीं, हमारे पास सारा स्केल ही है और दो ही वेरिएबल हैं तो वो चेक कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द आउटपुट। कैसे नंबर देखिए, बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर सेम कैंडिडेट है, पहले भी थे आप और बाद में भी थे। अब देखिए मीन स्कोर, देखिए बिफोर ट्रेनिंग कितना, दैट इज 59.88, आफ्टर ट्रेनिंग कितना होगा 73.8, डिफरेंस तो है नज़र आ रहा है। इसके बाद देखिए मीडियन कितना है 57, यहाँ मीडियन कितना है 75, यहाँ वेरियंस कितना है 292.924, यहाँ कितना है 200, देखिए वेरियंस कम हो गया। इसके बाद देखिए स्क्यूनेस यहाँ पे कितना है 0.255, यहाँ कितना देखिए माइनस में चला गया 0.69, क्लोज टू जीरो है बट नेगेटिव है, उसको क्या बोलेंगे हम पॉजिटिवली स्क्यूड, उसको क्या बोलेंगे हम नेगेटिवली स्क्यूड, ऑलराइट। तो देखिए इससे तो हमें इतना इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रहा कि डेटा हमारा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ग्राफ, तो ये बिफोर ट्रेनिंग ग्राफ है, तो देखते हैं, आइए देखते हैं इसका क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है। एलिमेंट्स शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो देखिए मोर और लेस आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
बट अगर हम बात करें कि आफ्टर ट्रेनिंग, देखिए आफ्टर ट्रेनिंग देखिए थोड़ा सा देखिए नेगेटिवली इसको उड़ा रहा है। तो क्या हम कह रहे हैं, मतलब बिफोर जो ट्रेनिंग था वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट आपका ज़्यादा सही नज़र आ रहा था एज कम्पेयर टू दी आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। बट अभी हम देखेंगे इसके बाद हमारा मेन क्या होता है, हम देखेंगे यहाँ पर टेस्ट, नॉर्मल डे का कौन सा टेस्ट, के एस टेस्ट। अब देखिए बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग दोनों का स्कोर कितना है, 0.2, 0.2, यानी कि विच इज मोर देन 0.05। तो 0.05 क्या था, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं हम, यहाँ पर क्या डेटा क्या पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये आपका 5% से ज्यादा है, 0.05 ज्यादा है, सो दैट मीन डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। चलिए दैट मीन्स हमारे देखिए अभी तक हमारी जो कंडीशन जो फुलफिल हो गई सारी, सो दैट मीन्स नाउ वी कैन गो फॉर टेस्ट। कौन सा टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, पेयर टी टेस्ट। सो गो टू कंपेयर मीन्स एंड देन क्लिक ऑन पेयर सैंपल टी टेस्ट। तो क्लिक ऑन बिफोर ट्रेनिंग, क्लिक ऑन दिस एरो बटन, वेरिएबल वन, वेरिएबल टू दैट इज आफ्टर ट्रेनिंग, दैट्स इट। क्लिक ऑन ऑप्शन, नथिंग, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ओके। नाउ वी हैव दीज थ्री रिजल्ट्स। देखिए पे टी टेस्ट का देखिए क्या आपका ये सैम्पल स्टैटिस है, बिफोर ट्रेनिंग देखिए यहाँ पर कितना मीन्स को कितना था, 59.88, आफ्टर ट्रेनिंग कितना हुआ, 73.18, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर देखिए कितना है, 17 या कितना 14, यानी कि इसका यानी कि वेरिएशन ज़्यादा था इसमें बिफोर ट्रेनिंग। इसके बाद इन दोनों में कोरिलेशन बता रहे हैं, देखिए बल्क कोरिलेशन कितना था, देखो कितना ज़्यादा हाई दिखा रहे, देखिए क्लोज टू वन, क्लोज टू वन, 0.82, क्लोज टू वन, यानी कि हाई कोरिलेशन है। और देखिए यहाँ पे सिग्नल वैल्यू कितनी है, 0.00, विच इज लेस देन 0.05। तो क्या शो कर रहा है, देखिए पहले तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्यों, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, सो दैट मीन देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन बिफोर ट्रेनिंग स्कोर एंड दी आफ्टर ट्रेनिंग स्कोर, यानी कि पॉजिटिव रहा। बट क्या ये जो रिलेशन है क्या ये सिग्निफिकेंट हाई या नहीं, उसको देखने की ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपकी 0.05 से कम है, सो दैट मीन्स यस देयर इज अ पॉजिटिव सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है लेकिन, बट पॉजिटिव क्या उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे, इसका हम देखेंगे हम दिस सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब देखते हैं इसके बाद हम पेयर सैंपल टी टेस्ट क्या कह रहे हैं, बिफोर आफ्टर ट्रेनिंग का दिखा रहे हैं, देखिए मीन स्कोर क्या पर देखिए ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये दिखा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस टेस्ट में, दैट मीन्स एन माइनस वन, तो कितना 50-1 दैट इज इक्वल टू 49, ठीक है। इसके बाद देखिए आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट दिखा रहा है आपकी, ये दैट इज 0.000, विच इज लेस देन 0.005, 0.05 उससे कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, यस देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर स्कोर। तो हम बोल सकते हैं यस कि भाई कैंडिडेट्स को जो है ट्रेनिंग देना जो है फेवरेबल है। देखिए आप आपको देखिए यहाँ पर इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से करनी है, पहले आपको देखो इसको बताना है कि क्या बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग का रिलेशन पॉजिटिव रहा या नहीं रहा। यस कोरिलेशन पॉजिटिव है, बट वही क्या कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो ये बताएगा। इसके बाद जो दोनों में जो मेन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसके लिए पेयर सैंपल टी टेस्ट देखना है। अगर वो वैल्यू 0.05 से कम है, सो दैट मीन्स यस देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर। सो अल्टीमेट आपको क्या इंटरप्रिटेशन करनी है कि यस मतलब कि भी जो ट्रेनिंग देना है कैंडिडेट्स को वो है क्या है फेवरेबल आपका, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।